तो फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हमारे सामने खड़ी है दी ऑल न्यू 2024 टाटा नेक्सॉन। और जी हमारी गाड़ी पेट्रोल से है, ओनली पेट्रोल। और आज हम करेंगे इस कार का वाइब्रेशन टेस्ट, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि टाटा सुधार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए आज हम टेस्ट करेंगे इसका वाइब्रेशन टेस्ट कि गाड़ी के कौन से पार्ट में कहाँ पर कितनी वाइब्रेशन है। ठीक है, इसके डैशबोर्ड में हम रखेंगे पानी एक ग्लास में करके, और बाकी इसके इंजन में रखेंगे, इसके बोनेट पर रखेंगे, और चेकआउट करते हैं कि कितनी वाइब्रेशन कम हुई है इसके पेट्रोल इंजन में। और उसके लिए बता दूं मैं, इसके अंदर आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें गाड़ी के इंजन की, तो मैं बता दूं इसके अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रेवोटॉन इंजन, जो कि पहले से इसके अंदर आ रहा है पेट्रोल इंजन। और ये मिलता है आपको 1200 सीसी का, जो प्रोड्यूस करता है 118 BHP के पावर, और टॉर्क आपको 170 Nm का इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और बात करें अगर हम इसके माइलेज की, तो यार 17.44 किलोमीटर पर लीटर का टाटा बोलता है। बाकी गाड़ी अच्छी खासी वेटेड है, और सबसे अच्छी बात यार ये 5-स्टार रेटेड कार है इस सेगमेंट में, तो काफ़ी बढ़िया बात भी है। और 118 BHP का इसके अंदर आपको इंजन मिल जाता है, तो एक बढ़िया आपको पावर मिल जाती है। बस हमको जो टेस्ट करना है इसकी कितनी वाइब्रेशन है इस टाइम पर, टाटा ने कितना सुधार किया है। तो चलिए अपने टेस्ट को अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम कार को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। हल्का सा भाई स्टार्ट में आवाज़ करता है, इंजन थोड़ा सा कांपता भी है, तो इतना तो यार हर गाड़ी करती है। और हमने अपने ग्लास से पानी भर लिया, ये आप देख लीजिए एक बार। और इसको हम रखेंगे एकदम सेंटर पे। तो गाइस वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम इसको छोड़ देंगे ग्लास को, तो ये समझ लो आप रथ खुली देखो आगे बढ़ रहा है। एक बार हम इसका पानी कम करते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार छोड़ के भी इसको। तो ये आप देख लो गाइस, मतलब अच्छी खासी वाइब्रेशन है अभी यहाँ पे इसके इंजन पे, और वहाँ तो होगी। थोड़ा बहुत इसके इर्द गिर्द चेक करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कम ये वाइब्रेट हो रहा है, ये आप चेकआउट करिए एक बार। और वहीं इसके हम और दाएं बाएं देखें, तो उतना कुछ खास वाइब्रेशन नहीं है। और हमारा इंजन अब प्रॉपर अपने RPM पे आ गया है, फिर से एक बार चेकआउट करते हैं। तो हाँ भाई वाइब्रेशन तो है, ये आप खुद देख लो, मतलब ग्लास तड़क रहा है। तो ठीक है, इतनी वाइब्रेशन चलती है, लेकिन अब चेकआउट करेंगे इसके डैशबोर्ड में कितनी वाइब्रेशन है, जो कि मेन फंडा है। गाड़ी जब चलती है तो आपको अंदर कितनी वाइब्रेशन फील होती है। और भाई गेट वगैरह काफ़ी हैवी हैं, मतलब टाटा आप जानते हो यार। तो ये हमारा पानी रखा हुआ है, और काफ़ी हल्की सी वाइब्रेशन है, मतलब अभी भी कोई जापानीज कार को टक्कर देने के लिए और मेहनत करनी होगी। लेकिन हाँ ये कहना पड़ेगा पहले से काफ़ी सुधार किया है इन लोगों ने, मतलब काफ़ी मिनिमल सी वाइब्रेशन आप देख पा रहे होगे, एकदम हल्की सी। और ये इसका पेट्रोल वेरिएंट है, इसलिए ये भी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी कम वाइब्रेशन है। और हम थोड़ा बहुत ग्लास को शिफ्ट करते हैं, तो ऑल टोटल वही लगभग लगभग उतनी वाइब्रेशन है इसके डैशबोर्ड में आती है आपको। और बाकी इसका एक बार स्टीयरिंग व्हील भी हम आपको हम दिखाते हैं टच करके। बस भाई हल्की जितनी आपको यहाँ फील होती है, उतनी ही आपके स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन आती है। और चलते हैं एक बार इसके ड्राइवर सीट पे, चेक करते हैं इसके फूट पेडल्स पे कितनी वाइब्रेशन आ रही है। और बाकी जो इसका गियर लीवर है उस पर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, मतलब एकदम ना के बराबर कह सकते हैं, मारुति ऐसा फील उसमें आ रहा है इसके गियर नॉब पे, तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स ये रहे इसके लीवर्स, क्लच लीवर, ब्रेक लीवर, और ये रहा इसका एक्सीलेटर पेडल। तो सॉरी मैंने लीवर बोल दिया, तीनों ही पेडल्स हैं। तो जो इसका यार ये आप देख रहे हो क्लच, इस पर हल्की सी वाइब्रेशन है, मतलब इसके जो डैशबोर्ड है उससे भी काफ़ी कम वाइब्रेशन है यहाँ पर। और बाकी ब्रेक पे, और ये आपका एक्सीलेटर पेडल, यहाँ बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं बिल्कुल भी। और बाकी यहाँ नीचे की ओर तो कुछ नहीं आ रही है, मतलब हल्की फुल्की आ रही है, मतलब मेरे हिसाब से तो यार गाड़ी पास है और काफ़ी बढ़िया इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है पहले से। और बाकी लुक के मामले में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है। इसका मैं पूरा बनाऊंगा, एक रिव्यू भी बनाऊंगा, और एक बनाऊंगा इसका ओनरशिप रिव्यू भी। इसके अंदर हमारे सामने खड़े हैं, थोड़ा शर्मीले हैं, लेकिन उनको हम पटाएंगे और बनाएंगे इनका रिव्यू भी। तो बाकी भाई गाड़ी की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम कर दी टाटा ने यार, मतलब क्या काम किया है। और पर्सनली मतलब मुझको ही कार पसंद आ गई यार देख करके। और इनका पेट्रोल इंजन पहले आप जानते हो कि बहुत लोग लाइक नहीं करते थे, मतलब खाली टिगोर में या फिर जो आपकी वो आती है दूसरी टियागो, उसी में लेते थे। लेकिन भाई साहब इन्होंने जो इंजन मतलब कमाल खेला है ना अपनी नई वाली गाड़ी में, मतलब 5-स्टार रेटिंग पेट्रोल से इंजन आ रहा है, 17-18 की एवरेज दे रही है।
और बाकी आप क्या ही चाहिए यार, मेन चीज़ इंसान की सेफ्टी की प्रायोरिटी है, तो वो आपको मिल रही है। और एंड आई होप कि यार ये अपनी गाड़ी में रिलायबिलिटी का भी कुछ इम्प्रूवमेंट करें, और क्या पता इन्होंने अभी से ही कर दिया और ये कार हमारी काफ़ी बढ़िया चल जाए, तो आपको हम पूरा रिव्यू बना करके देंगे। और बाकी मैंने आपका कर दिया गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट, और कहीं पर भी मतलब जो उसकी रूफ वगैरह है कहीं पर कोई वाइब्रेशन नहीं है, पीछे कह रहे हैं वैसे भी नहीं आती यार, मेन आपका सामने ही आती है। पहले इनकी गाड़ी मैंने चेक करी थी, टाटा की पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन थे उसके इंजन में, लेकिन अब काफ़ी कम हो गई है। सो आई होप गाइस कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना चैनल को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।